तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सीएसएस। सीएसएस के बारे में हमने लास्ट क्लास में जाना है, सीएसएस का क्या एडवांटेज है, हमारे पेज का जो लुक है वो डिसाइड करता है सीएसएस, हमारे काफी सारे पेजेस का कलेक्शन होता है वेबसाइट में, तो सारे पेजेस को एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म या एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि सारे पेज एक जैसे दिखाई दें, और हमारी मेहनत भी वो बचाता है और काफी अट्रैक्टिव भी बनाता है। सीएसएस बने बनाए मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं, कई सारे सीएसएस इंटरनेट पे उपलब्ध होते हैं, कुछ पेड होते हैं कुछ फ्री होते हैं, तो आप उनको कई वेबसाइट्स जो है इनको उपलब्ध कराती हैं, आप उनसे उनको डाउनलोड करके केवल अटैच करके भी काम कर सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड सीएसएस जो हैं वो आपको पेड वर्जन पे मिलेंगे, यानी कि आपको कुछ पे करना पड़ता है, और पे करने के बाद आप सीधा उस फाइल को अटैच करेंगे, आपकी वेबसाइट का लुक काफी स्टैंडर्ड दिखने लगेगा। क्लियर है? तो कई सारी कंपनियां जो हैं वो सीएसएस डेवलपर्स को रखती हैं और वो सीएसएस बनाते हैं, और वो सीएसएस का जो बना बनाया सीएसएस है वो कंपनियां उनको सेल आउट करती है, ताकि जो दूसरे डेवलपर्स हैं वो अपने एचटीएमएल पेज को या वेबसाइट को काफी अट्रैक्टिव बना सकें। तो हम यहाँ पर बेसिक देख रहे थे, जिसमें बेसिक में मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करना चाहूंगा कि सीएसएस का इंट्रोडक्शन हमने देखा, सीएसएस का सिंटेक्स देखा, आपके कोर्स में सिंटेक्स था जिसमें सीएसएस के सिंटेक्स हमने देखे हैं कि कितने टाइप के सीएसएस में सेलेक्टर होता है, उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन होते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होते हैं, और उनके बीच में एलिमेंट्स और उनकी वैल्यू दी जाती है, या प्रॉपर्टी और उनकी वैल्यू दी जाती है। प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कोलन होता है, और ये आप किसी भी कॉम्बिनेशन पर कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को या प्रॉपर्टी को आप वैल्यू दे सकते हैं। आपको इनमें वैल्यू देते समय कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करना होता है, जिससे आप कुछ एनिमेशन भी ला सकते हैं। क्लियर? ये हमने सिंटेक्स देखा था। उसके बाद हमने सिंटेक्स में जो उसमें सेलेक्टर्स थे, ठीक है, सेलेक्टर्स के बारे में भी हमने देखा कि सेलेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर आपका होता है, एलिमेंट सेलेक्टर के बाद आपने उसमें आईडी सेलेक्टर देखा, क्लास सेलेक्टर देखा, ग्रुप सेलेक्टर देखा, और आपने इस तरीके के और भी सेलेक्टर्स हैं, बट कॉमनली इस तरीके के जो आपके क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन रहता है, एक तो 4-5 सेलेक्टर, उसके एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ आपकी सीएसएस। आवाज कट रही है सर। तो इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सीएसएस। क्लियर है? तो सीएसएस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे सीएसएस के जो टाइप्स हैं वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला सीएसएस जो आपने अभी देखा था, उसे अभी तक जो आप सीएसएस यूज करते आए हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। सेकेंड होता है एक्सटर्नल सीएसएस, और थर्ड होता है आपका इनलाइन सीएसएस। तो 3 तरीके के सीएसएस होते हैं। कुल मिलाकर के सीएसएस वही होता है, कोड सेम होता है, बस आवाज 3 तरीके के सीएसएस होते हैं, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। कोड एक ही होता है, बस उनको लिखने का जो पोजीशन होता है, लिखने की जो जगह होती है वो अलग अलग होती है, उस हिसाब से इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो अभी तक आपने जो भी कोड यहाँ पर किया था, हमने जो भी एग्जाम्पल में कुछ कोड किए होंगे, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने कुछ सीएसएस का कोड किया हुआ था जिसमें हम एचटीएमएल के अंदर स्टाइल टैग बनाते थे, और HTML पेज जो है उसके हेड सेक्शन में हम स्टाइल टैग बनाते हैं, और फिर नीचे बॉडी में लिख करके उसका यूज करते हैं। बॉडी में बेसिक यूज उसका बॉडी पे होता है। क्लियर है? तो अगर आप सीएसएस को हेड के अंदर लिखते हैं तो ये जो सीएसएस की कोडिंग होती है इसको इंटरनल सीएसएस कहा जाता है। सेम यही कोड को आप अगर दूसरे जगह पर या दूसरी फाइल पर लिख देते हैं तो उसको एक्सटर्नल सीएसएस कहा जाता है। क्लियर है? और इसी कोड को, यहाँ पे जो लिखा हुआ कोड है उसको आप अगर यहाँ पर बॉडी में लिखते हैं
तो वो आपका इनलाइन सीएसएस कहा जाएगा। क्लियर है? तो बॉडी के अंदर लिखा हुआ सीएसएस, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस, तीनों का कोड बिल्कुल सेम होता है, केवल लिखने की जो जगह होती है ना वो अलग अलग होती है। क्लियर है? तो जैसे मैं यहाँ पर कोई एक सीएसएस लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर H1, सिंपल सा आपका है, और H1 में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कलर, यहाँ पर जब हम बॉडी में H1 टैग लगाएंगे अगर बॉडी में H1 टैग लगाते हैं तो वो आपका जो कलर है उसको चेंज कर देगा, क्योंकि उसमें CSS में ऐसा कोड लिखा हुआ है कि कलर उसका क्या करना है, रेड करना है। क्लियर है? ये जो CSS लिखा हुआ है ये आपका इंटरनल CSS कहलाता है, क्योंकि ये इसका जो कोड है आपका स्टाइल टैग के अंदर हेड के अंदर ही लिखा हुआ है। तो ये जो CSS का टाइप है सेम ये क्या कहलाएगा, आपका इंटरनल CSS कहलाता है। क्लियर है? एक्सटर्नल CSS या इनलाइन CSS को सेम यहीं पे लिखा जाता है। जैसे इनलाइन CSS आपको लिखना है तो इनलाइन CSS को आप डायरेक्ट यहीं पर लिख सकते हैं। तो अगर ये सेम कोड हमको यहाँ पर लिखना है तो इनलाइन सीएसएस हम कैसे बनाएंगे, मैं पहले इसको, ये जो कोड है कलर इक्वल टू रेड, इसको सेम यहाँ पर मैं लिख दूंगा सीधा इनलाइन। मतलब होता है कि जिस लाइन पर आपको अप्लाई करना है वहां पर सीधा आप स्टाइल टैग लगाइए और इक्वल टू लगा करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो स्टाइल इक्वल टू ऐसा लिखा गया है, ये जो लिखा हुआ चीज है सेम यही चीज है, इसको यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर हेड में लिखा गया है। ऐसा लिखने से फायदा ये होता है कि वो H1 और H2 कई इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं उसको, या तीन H1 है तो तीनों के साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनलाइन CSS यहीं पर सिर्फ अप्लाई होगा। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, सेव करते हैं। पहले मैं इसको हटा दूंगा तो आपको अंतर पता चलेगा, ब्लैक है। ठीक है, तो देखेंगे कि ये जो CSS लिखा गया है कोड बिल्कुल सेम है, लेकिन इन लाइन सीएसएस कहलाता है ये, क्योंकि इसको इस लाइन पर ही लिखा गया और ये लाइन पर ही डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, तो इसका दूसरी जगह पे लिंक नहीं होता है। ऐसे छोटे मोटे जो वर्क होते हैं, जो स्पेसिफिक होते हैं, उनको उस जगह पर इसको लिखा जाता है, लेकिन जो ग्लोबल तरीके से यूज करने वाले वर्क है उनको इंटरनल, या फिर और बड़े कोड है तो उनको एक्सटर्नल सीएसएस में लिखा जाता है। कोड बिल्कुल सेम है, बस लिखने की जो पोजिशन है वो चेंज होती है। तो इनलाइन फंक्शन, सॉरी इनलाइन सीएसएस, जैसा कि आपने नाम सुना है इनलाइन सीएसएस, साफ साफ पता चल रहा है कि जिस लाइन पर इफेक्ट करना है सीधा उस लाइन के टैग में स्टाइल इक्वल टू करके जो भी आपको कोड लिखना है वो लिख दीजिए, और यहाँ पर दो तीन कोड लिखना है तो यहाँ पे और सेमीकोलन से सेपरेट करके आप और भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए स्टाइल टैग नहीं लिखना होता है, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि बाई डिफॉल्ट टैग के अंदर ही है। तो ये आपका इनलाइन सीएसएस है, इनलाइन सीएसएस है, और यहाँ पर जो लिखा गया था स्टाइल टैग में वो आपका था एक्सटर्नल, सॉरी इंटरनल सीएसएस। ठीक है, अब इसी चीज को हम अगर एक्सटर्नल सीएसएस में बनाना चाहें, एक्सटर्नल सीएसएस भी काफी आसानी से बन जाता है। उसके लिए हमको क्या करना होता है, एक्सटर्नल सीएसएस बनाने के लिए हमको एक दूसरी फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं लास्ट में बताऊंगा कि तीनों का क्या क्या अपने अपने जगह पे यूज है। तो एक्सटर्नल सीएसएस बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक और फाइल मैंने ओपन की नोटपैड की और इसमें मैं सीएसएस बना दूंगा। तो सेम सीएसएस मैं यहाँ पर बनाता हूँ, तो जो सीएसएस का कोड मैं वहां पर लिखा था वो यहाँ पर लिख देंगे।
मैंने स्टाइल टैग लगाया और स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया, और यहाँ पर मैं वो सीएसएस बना रहा हूँ H1, और सेम हमने जो सेलेक्टर्स लगाए थे सेम एक ही कोड में कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कंप्यूटर में कलर की स्पेलिंग हर जगह पे ये लिखी जाती है, क्लियर। कि मैंने एक अलग से फाइल बनाई जिसमें स्टाइल टैग लगा के सेम वही कोड कर दिया जो कोड मैंने इंटरनली हेड के अंदर लिखा था, यानी हेड का कोड, ये जो कोड मैं हेड में लिख रहा था उसको, ये इंटरनल सीएसएस था हमारा, यहाँ पर हेड में हम लिख रहे थे सेम चीज। अब हम इसको यहां से हटा करके सेम चीज को हम यहां पर नहीं लिख रहे हैं, यहां से हमने हटाया क्योंकि ये इंटरनल है, इस फाइल के अंदर ही है, इस फाइल के हेड में लिखा हुआ है। अब यहां से हमने कट किया और दूसरे फाइल पर इसको लिख दिया है, दूसरे फाइल पर इसको सेम चीज को लिख दिया। मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पेस्ट कर दिया। अलाइनमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा, कैसे सेव करेंगे, सेम लोकेशन वाले फोल्डर पे सेव कर दीजिए जहां पर हमारा कोड HTML की फाइल का कोड है। तो हमारा HTML फाइल का कोड E के अंदर एग्जाम्पल के अंदर है, और यहाँ पर हम जब सेव करेंगे तो उसका नाम देंगे, मान लीजिए मैं लिखता हूँ sci.css। इस फाइल का नाम आपको CSS देना पड़ेगा, याद आपको रखना है कि इस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम है वो CSS लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर ऑल फाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि बाई डिफॉल्ट वो टेक्स्ट फाइल ना ले। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कोड कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब मैं इसको बंद करके आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा कि जब मैं अपना फोल्डर ओपन करूंगा यहाँ पर, ये देखिए, ये मेरा HTML, ये मेरी HTML फाइल है। इसको मैं जब ओपन करता हूँ नोट पैड में तो मेरी HTML फाइल ऐसे आई, और इसमें हेड में हम कुछ भी नहीं लिखे हैं इसलिए हेड को हटा देते हैं, और ये इनलाइन CSS है इसको भी हटा देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर नॉर्मल H1 के कारण जैसा दिखता है नॉर्मल ब्लैक कलर से वैसा दिख रहा है। अब मैं CSS लगा के इसको रेड करना चाहता हूँ, तो मैंने इनलाइन CSS नहीं लगाया है, इंटरनल CSS भी नहीं लगाया है, मैंने लगाया है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS जस्ट इसके बगल में ये वाली फाइल है sci.css, यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ दिखेगा, माउस पॉइंटर के नीचे आपको दिख रहा होगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट 46 बाइट। अब मैं जब इसको ओपन करूंगा और नोटपैड में ओपन करूंगा तो इसमें सीएसएस की कोडिंग लिखी हुई है, क्लियर है। इस कोड को इस फाइल से लिंक करना है, इस सीएसएस को इससे लिंक करना है, क्लियर है, तब वो वर्क करेगा। तो सीएसएस को लिंक करने के लिए क्या करना होता है हमको, हम अपना ये ओपन करेंगे और यहां पर सेम हेड टैग में, छुट्टी में आज, हाँ, हेड के अंदर ये हेड टैग है। अब हमको इसको एक्सटर्नल सीसेस को लिंक करना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक करने के लिए एक लिंक टैग यहाँ पर ऐड करना होता है, ठीक है। ये चीज आपको बहुत ध्यान देना है कि सीएसएस को ऐड करने के लिए लिंक टैग का ही यूज करना है आपको। लिंक टैग आप लिखेंगे और यहाँ पर एच रेफरेंस दे देंगे आप, यहाँ पर एच रेफरेंस जो होता है लिंक करने के लिए होता है, और यहाँ पर आपको अपनी सीएसएस का नाम लिखना है sci.css। तो आपको यहाँ पर sci.css यहाँ पर लिख करके और इसका रिलेशन देना है आपको स्टाइल शीट, ये इसका सिंटेक्स है। क्लियर है, और इस टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सेम जो कोड मैंने लिखा था उस कोड को मैंने उठा करके इस फाइल में रख दिया और उस फाइल को यहाँ पर लिंक कर दिया है। कुल मिला के ये काम हम तब करते हैं जब ये हमारा सीएसएस का कोड काफी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हमारी एचटीएमएल का कोड और सीएसएस का कोड आपस में मिक्स होने लगता है। तो हम उठा के क्या करते हैं, एक के दूसरी फाइल में इसको रख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जैसे मैंने दूसरी फाइल पर रख दिया है,
और उसको यहाँ पर लिंक कर देते हैं। ये दो कंडीशन में किया जाता है, या तो आपके पास 10 पेज है यहाँ पर, जैसे टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 और ऐसे 10 पेज है, 10 पेज में एक ही सीएसएस अप्लाई करना है, तो उस सारे पेज में अलग अलग सीएसएस लिखने की बजाय इसमें से बाहर निकाल दिया जाता है और इस पेज को इस सीएसएस को 10 से लिंक कर दिया जाता है। तो ये ज्यादा अच्छी टेक्निक है कि इन 10 पेज में बार बार एक ही कोड लिखने की बजाय एक सीएसएस को बाहर निकाल दिया जाए और सबको उससे लिंक कर दिया जाए। इससे फायदा क्या होगा कि अगर एक सीएसएस में मैं यहाँ पर अगर कलर को चेंज करूंगा तो यहाँ पर जितने भी पेज है, 1, 2, 3, 4, 5 सब में कलर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये सबका सारे पेज का डिजाइन यहाँ पर है, क्योंकि सारे पेज में यहाँ पर लिंक किया गया है आपके। क्लियर है? तो ये एक्सटर्नल सीएसएस ज्यादा यूज होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स में ज्यादा यूज होता है। अब मैं इसको सेव कर लिया हूँ, अब जब मैं इसको रन करूंगा या लोड करूंगा तो ये लिंक नहीं हुआ, sign.css ये ना नाउ लिंक नहीं लिया क्या? ओके, हाँ एक मिस्टेक ये हुई है, इधर देखते हैं। इसमें स्टाइल टैग नहीं लगाना पड़ता है, हम भूल गए थे, स्टाइल नहीं लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि लिंक प्रॉपर्टी अपने आप स्टाइल लगाती है। सेव करने के बाद इसको हम लोग लोड करेंगे तो इस तरीके से वो कलर आ जाएगा। क्लियर है? तो एक्सटर्नल सीएसएस जो रहता है उसमें स्टाइल टैग नहीं लगाना होता, क्योंकि बाई डिफॉल्ट एक्सटर्नल है, इसको अलग करने की जरूरत नहीं होती है। हेड में हमको यहाँ पर स्टाइल लिख करके बताना पड़ता है कि ये स्टाइल वाला चीज है, ये आपका टाइटल वाला चीज है, ये सारी चीजों को बताना पड़ता है। एक्सटर्नल जो सीएसएस होता है उसमें स्टाइल टैग नहीं लगाना पड़ता है, डायरेक्ट आप सीएसएस लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपने देखा कि तीनों टाइप की सीएसएस हमने यूज की, और एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सीएसएस तीन टाइप के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तीनों का अपनी अपनी जगह पे अलग अलग रोल है, ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल सीएसएस ही ज्यादा अच्छा होता है। कुछ जगहों पर एक्सटर्नल सीएसएस ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है, कुछ जगहों पर इंटरनल सीएसएस अच्छा परफॉर्मेंस देता है, कुछ जगहों पर इनलाइन सीएसएस अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से तीनों प्रकार के सीएसएस अच्छे अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, बट बड़े प्रोजेक्ट्स में एक्सटर्नल सीएसएस ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो एक्सटर्नल सीएसएस को बड़े प्रोजेक्ट्स में ज्यादा अच्छे तरीके से हम मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। छोटे और एनिमेशन बनाने के लिए इंटरनल सीएसएस का ज्यादा यूज होता है, और स्पेसिफिक एनिमेशन या स्पेसिफिक फॉर्मेट देने के लिए इनलाइन सीएसएस का ज्यादा यूज होता है। क्लियर है? तो मैंने आपको तीनों का एग्जाम्पल बताया कि अगर आपको इनलाइन सीएसएस देना है तो यहाँ पर स्टाइल इक्वल टू करके आपको जो भी अपना सीएसएस का यहाँ पर स्टाइल देना है वो दे सकते हैं, ये इनलाइन सीएसएस होता है। इंटरनल सीएसएस को हेड में स्टाइल टैग के साथ लिखते हैं, यहाँ पर स्टाइल टैग लिखेंगे जो आज तक हम करते आ रहे थे ऐसा। इस तरीके से इसके बीच में हम सीएसएस लिखते हैं, और एक्सटर्नल सीएसएस को क्या करते हैं, बाहर किसी दूसरी फाइल पर लिख देते हैं, इसमें स्टाइल टैग लगाने की जरूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट यहाँ पर आपके सीएसएस के जो बंच होते हैं, यहाँ पर ये ब्रैकेट में बंच बंच बना बना के यहाँ पर डायरेक्ट लिखते जाते हैं, और इसको सेव करना आपको ध्यान रखना है डॉट सीएसएस से ही सेव करना है, दूसरे नाम से अगर सेव करेंगे तो शायद लिंक नहीं होगा। और लिंक करने के लिए हेड में लिंक एट्रीब्यूट का, लिंक टैग का यूज करते हैं, एच रेफरेंस में ये दे करके उसका रिलेशन स्टाइल शीट दे करके ये यूज किया जाता है। ये आपका एक्सटर्नल सीएसएस होता है। तो इस तरीके से सीएसएस का जो क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, तो उसमें आपके पास काफी सारा मैटर हो गया लिखने के लिए, सीएसएस क्या होता है, उसके क्या एडवांटेज है, क्या किस तरीके से वो अट्रैक्टिव बनाता है, कितने टाइप के होते हैं, सीएसएस का सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स में जो एलिमेंट सेलेक्टर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं,
हर सेलेक्टर का अलग अलग रोल है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेलेक्टर्स अपनी अपनी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से देते हैं। किसी भी चीज को कम या ज्यादा नहीं बोला जा सकता, अपनी जरूरतों के हिसाब से सारे चीजों का परफॉर्मेंस अच्छा अच्छा होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ सीएसएस, और इसी के साथ सीएसएस लगभग खत्म भी हो रहा है हमारा। इसके बाद एक डाउट सेशन कर लेंगे अगली क्लास में, और उसके बाद जावा स्क्रिप्ट चालू कर सकते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।